नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली NCR में। दोस्तों, मैं हूं रंजीत। आज मैं आया हुआ हूं फरीदाबाद। यहां पे बहुत बड़ा ट्रेड फेयर लगा हुआ है और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, 200 केजी नॉवेल बिक रही है यहां पे। ये कोई होलसेल मार्केट की कहानी नहीं है। ये जो वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ट्रेड फेयर की दिखा रहा हूं। यहां पे एक स्टॉल लगी हुई है जो 200 रुपये किलो के हिसाब से नॉवेल बेच रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। मैंने कुछ दिन पहले, लगभग एक महीना पहले, एक वीडियो डाली थी नई सड़क की, जहां पे मैंने दिखाया था आपको कि यहां पे 10 रुपये किलो किताबें मिलती है। वो किताब जो थी वो पुरानी किताब की थी, कोई नई किताब की बात नहीं कर रहा मैं। और ये भी जो नॉवेल देख रहे हैं ये 10 साल 15 साल पुरानी नॉवेल है जो यहाँ पर बिक रही है। सेम चीज़ें आप नई सड़क दिल्ली से ख़रीद सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। मैंने दिखाई थी आपको जो 10 रुपये किलो नॉवेल, वो नॉवेल होती हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, बिक नहीं रही होती। तो वो जो थोक वाले होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो मंगवाते हैं, उनको बाहर से आती हैं, अलग अलग कंट्री से आती हैं इस तरह के इंटरनेशनल नॉवेल, वो कूड़े के भाव में, रद्दी के भाव में 10 रुपये किलो बेच देता है। अगर वो ना भी लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा उससे अच्छी लेते हैं, 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपये तक भी अगर आपको मिल जाता है बुक, तो आसानी से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में। ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, 2000 रुपये भी अगर आपके पास हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। कहीं पे भी, किसी भी मार्केट में छोटे छोटे एग्जीबिशन बहुत सारे लगते रहते हैं। अगर आप दिल्ली आसपास के हैं या आपके एरिया में भी अलग अलग सिटी में एग्जीबिशन लगता है, 5 दिन का 10 दिन का, या ट्रेड फेयर लगते हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जो एग्जीबिशन है, एग्जीबिटर के नंबर वगैरह बहुत मिल जाएंगे। मैंने भी 2-3 वीडियो डाली एग्जीबिशन की जिसमें एग्जीबिशन लगाने वाले के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। या कहीं पर भी रनिंग मार्केट में आप ओपन एरिया में टेबल के ऊपर या फोल्डिंग चारपाई के ऊपर इस तरह की बुक्स लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार मेट्रो स्टेशन के आगे लोग इस तरह की बुक्स बेच रहे होते हैं, 20% 30% डिस्काउंट पे, MRP पे देते हैं, 100 रुपये 150 रुपये की बेचते हैं। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा मार्जिन है, समझ में नहीं आ रहा है इतनी। और इस तरह से यहाँ पे भीड़ पड़ी हुई है, टूट पड़े हैं लोग यहाँ पे ख़रीदने के लिए। लोग किलो के भाव में ले रहे हैं सामान यहाँ पे, जैसा कि देखा है मैंने आपको, बोर्ड लगा रखी है 200 रुपये किलो। इसमें कुछ बच्चों के भी बुक्स हैं और ज़्यादातर जो हैं वो नॉवेल्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड की सारी बुक्स हैं। तो ये सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता एडिशन से। 10 साल पहले की भी नॉवेल आज लोग पढ़ रहे हैं, लोग ट्रेन में, मेट्रो में घूमते फिरते इस तरह की, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग नॉवेल पढ़ते रहते हैं। और जिनको शौक़ है, पैसन है, वो इस तरह की चीज़ों में बड़े शौक से ख़रीदते हैं और इन्हीं चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो क्यों ना शुरू करें। अगर आपके पास 2000 रुपये भी हैं तो आप इस तरह के बुक्स नई सड़क से ख़रीद के आप विज़िट कीजिए। दिल्ली के चांदनी चौक में नई सड़क है, मैं लिंक दे दूंगा। मैंने जो इसके पहले वीडियो डाली थी उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिखा रखे हैं कहाँ पे आपको माल मिलेगा सस्ते में। वहाँ पे आधे से भी कम कीमत में बुक्स वगैरह मिलती है। कई सारे बुक्स हो जाए 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो मिलते हैं, और कुछ बुक्स हैं जो बिल्कुल नहीं बिक रही होती हैं, वो 10 रुपये किलो भी बिकती हैं। वो सारी बुक्स भी इसमें, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो बहुत पुराने हैं और कूड़े के भाव में, रद्दी के भाव में ख़रीद के आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? लोग पैसे बना रहे हैं तो आप भी बनाइए, आप भी पैसे कमा सकते हैं। और बहुत आसान है अपना काम करना, ये ऐसा काम है जो पार्ट टाइम कर सकते हैं आप। आपके पास वक्त नहीं है, आप किसी लड़के को रख लीजिए, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी बुक्स का काम, एजुकेशन का काम है और बहुत ही अच्छा काम है, आप कर सकते हैं आसानी से। किसी भी मार्केट में आप जगह देख लीजिए रनिंग मार्केट में, और बहुत कम कंपटीशन होता है ऐसी चीज़ों का। आप इंस्टीट्यूट वगैरह एरिया में वहाँ पर बेच सकते हैं इसे, कहीं जैसे नई दिल्ली स्टेशन वगैरह के आसपास में कहीं जगह मिल जाती है आपको, या और भी कोई बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे इस तरह की बुक्स वगैरह बहुत ख़रीदते हैं लोग। सफ़र में ऐसी बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते हैं टाइम पास करने के लिए, तो वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत कस्टमर मिल जाएंगे और आप अनबिलीवेबल पैसे कमा सकते हैं बुक्स के कामों में। आज भी जो बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं वो बुक्स ही पढ़ते हैं, और आज भी लोग बुक्स की लाइब्रेरी तैयार करते हैं घरों में। तो फ़ायदा उठाइए इन चीज़ों का। अगर इस ट्रेड फेयर में, मैं बता नहीं सकता आपको कितनी भीड़ है इस दुकान पे, बड़े मुश्किल से मैंने शूट की है इनकी वीडियो, और ये सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे नई सड़क में, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन नज़दीक पड़ेगा। एक बार विज़िट कीजिए वहाँ पे,
किसी भी दुकान का मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रहा, मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्ट मार्केट जाइए, अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए माल वहाँ पे और बनाइए पैसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।